तो फ्रेंड्स 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और हमारा केमिकल पूरी तरह से सूख चुका है और ये देखिए कितना सुंदर हमारा टेक्सचर बन के आया है और ये जो क्रिस्टल हमने 2 कॉर्नर्स पे लगाए हैं ये इसको एक और एक मतलब अच्छा लुक इसको दे रहे हैं, हाइलाइटिंग इसको दे रहे हैं। तो टेक्सचर हमारा पूरा तरह से तैयार है और पूरा शाइन, पूरा ग्लॉस और पूरा ही सॉलिड सरफेस इसका तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर नेम पेस्ट करेंगे और हमारी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हम इसके अंदर बांसुरी का एलिमेंट यूज करने वाले हैं। आजकल नेम प्लेट में सभी को बांसुरी, मोरपंख और ऐसी तरह की चीजें बहुत पसंद आती है तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये बांसुरी का भी इसमें यूज करने वाले हैं। चलिए नेम पेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या इसका फाइनल लुक बन के आता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो नाम है वो इस पे पेस्ट हो चुका है। कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हमने पूरा नाम और इसका फोन डिसाइड करके इसके ऊपर पेस्ट किया है तो ये बहुत ही अच्छा और शाइनी लुक इसके अंदर आ रहा है। ऑलमोस्ट तैयार है बट इसकी और थोड़ी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए हम इसको एक और लेयर केमिकल से सील करेंगे ताकि ये लंबे टाइम तक चले और इसकी शाइन हमेशा एज इट इज मतलब हमेशा ग्लोसी रहे। तो इसके लिए मैंने ट्रांसपेरेंट केमिकल तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इस केमिकल को पोर करेंगे और इसको इवनली पूरा सरफेस पे अच्छे से सील करेंगे। हमने इसके ऊपर केमिकल कुछ क्वांटिटी का इस पे पोर कर दिया है और हम देख रहे हैं इसमें कुछ एयर बबल्स है और थोड़ा केमिकल की जो डेंसिटी है वो थोड़ी थिक है तो इसको थोड़ा हीट करेंगे ताकि ये थोड़ा नॉर्मल डेंसिटी में आए ताकि हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर पाए और उसके जो एयर बबल्स है वो रिमूव हो जाए। बहुत ही हल्के हाथ से हमने पूरे केमिकल को इसकी एजेस तक फैला दिया है और जो हमने क्रिस्टल यूज किया उनको भी अच्छे से सील कर दिया है। पूरा नेम और पूरा जो बेस है इसका वो अच्छे से सील कर दिया है ताकि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि सीलिंग ना हुई हो और अच्छे से इसको हल्के हाथ से इस तरह से फैलाना है, प्रेशराइज नहीं करना है बिल्कुल भी। और जैसे ही सारी एजेस इसकी कवर हो जाती है अब एक बार और इसके जो छोटे छोटे से एयर बबल्स है उनको रिमूव कर देंगे और फिर इसको सेट होने के लिए अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ना होगा जैसे कि हमने बेस लेयर को भी टाइम दिया था और फिर ये पूरी तरह से दीवार पे पेस्ट होने के लिए रेडी रहेगी। हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, सभी चीज मतलब जो हमारी प्रोसेस थी पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो बस अब हम इसको सेट होने के लिए 3 से 4 घंटे का टाइम देते हैं और हमारे नेम प्लेट पूरी तरह से तैयार है। आई होप आपको पसंद आई हो ये पैटर्न, ये कलर पसंद आया हो। जो भी आपका रिव्यू हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।